मैं चैनल राजदीप इलेक्ट्रॉनिक। सो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, जो कि इस पे मॉडल भी नहीं लिखा हुआ है और किस कंपनी का है ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले इसको ऑन करके देख लेते हैं और इसमें फॉल्ट पता कर लेते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें लाइट ऑन हो गया है और दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है। और दोस्तों आप लोग को दिखा दूँ कि इसका जो पिन है वो फट रहा है। आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो देखे तो फुल HD में करके देखे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो नए नए मैकेनिक को पता भी नहीं है कि ये इसको कैसे खोलते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले इसको खोलना सिखाता हूँ। तो कैमरे को मैं सेट कर लेता हूँ और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से ये खुलेगा। आप लोगों को बता दूँ, इसमें कहीं भी पैच वैच नहीं दिया है, तो दिखा दे रहा हूँ। ये टांगने वाला इसमें दिया हुआ है और देख सकते हैं इसमें कोई भी पैच नहीं दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइए और यहाँ से इसको एक ब्लेड ले लीजिए या पेचकस के सहारे से किनारे से इसका जो ये रेपर लगा हुआ है इसको खींचिए। और दोस्तों देखिए, ये बाहर आ चुका और इसको अच्छे से रख लेंगे। और देखो दोस्तों, 1 2 3 यहाँ पर पेच लगा हुआ है, तो इसको भी मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। तो मैं दोस्तों आप लोग के सामने इसे खोलूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए घबराइएगा मत। कोई बात नहीं, जब तक आप लोग फुल प्रैक्टिकल सीखेंगे तब तक आप लोगों को कैसे पता चलेगा इसमें फॉल्ट क्या है। तो मैं वीडियो को कट भी नहीं करूँगा आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, ये इसका अंदर का सिस्टम है। ये वाला जो 4 वायर निकला हुआ है, 2 रेड और 2 वाइट, इसको निकाल लेते हैं। ये स्पीकर का है। और जो देखिए, ये ब्लैक एक और एक रेड लगा हुआ है, ये बैटरी का है, तो ये बाहर निकल चुका है। और उसके बाद सबसे पहले तो इसका पिन फट रहा है, वो चेंज करेंगे। और इसमें पिन हैवी वाला डालेंगे जो कि मतलब उखड़ेगा नहीं दोबारा, तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने खोल लिया इसको। और दोस्तों आप लोग को बता दूँ इसमें पिन कैसा डलेगा। तो ये देखिए, मेरा इसमें सारा सिस्टम है। देखिए ये वाला पिन बहुत बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा पिन लाइए मार्केट से जो कि आपको 10 रुपये को मिलेगा। और इसमें एक नेगेटिव होता है, ये ब्लैक वाला वायर, एक पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये चार्ज ले रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको चार्जिंग से कनेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट टेस्ट कराकर आप लोग को दिखाएंगे कि चार्जिंग से ये मतलब चार्ज ले रहा है या नहीं। तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे बोर्ड से लगा हुआ है चार्जिंग जैक, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पर मेरा बोर्ड है और इधर चार्जिंग जैक इसमें लगा कर और टेस्ट करेंगे। तो इसमें चेक कर लेंगे प्रॉपर लाइन आ रहा है कि नहीं। तो आपको डिजिटल मीटर से दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए, इसको मैं 20 वोल्ट पर सेट किया DC के। और इसका जो 2 वायर है, इसको यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों, वहाँ पर 5 पॉइंट मतलब इससे समथिंग आ रहा है चार्जिंग के लिए। तो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है इस कनेक्टर में। और इसको यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग टेस्ट कराएंगे। तो इसका कहीं भी इसका ग्राउंड ले लेंगे। देखिए जो ये प्लेट दिखाई दे रहा है और इस चार्जिंग जैक का, तो इसमें ये माइनस रहता है, तो इसको माइनस को एक टच कराएंगे, इसको पकड़ लेंगे नाखून के सहारे से। और ये जो डायोड है, आप लोग को दिख रहा है ये डायोड, तो इसके जो आगे वाला हिस्सा है जो चार्जिंग कनेक्टर से आ रहा है उस पर टच कराएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें लाइट सिम मतलब रेड लाइट जल रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो ये चार्जिंग के लिए ये मतलब हो गया है, मतलब ये सही है इसका चार्जिंग का सेक्शन। तो मैं इसको भी एक बार खोस कर देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये चार्ज नहीं ले रहा है।
तो चलिए दोस्तों, इसको डायरेक्ट इसमें मतलब आपको कनेक्शन करके से दिखा देता हूँ कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इतना सा होल दिया है, इसको बड़ा करेंगे और ले चलते हैं इसको रिपेयरिंग काउंटर पर, और इसमें सेट करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इसको कनेक्शन किया जाता है। तो चलते हैं रिपेयरिंग काउंटर पर। तो दोस्तों, मैंने इसको कस लिया, यहाँ पर था जहाँ पर था वैसे ही इसको कस लीजिए, और उसके बाद देखिए कि मतलब ये चार्जिंग सेक्शन कहाँ पर प्रॉपर फिट बैठेगा। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर तो इतना सारा ऑलरेडी पहले से सामान है, तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर इसको लगाए, मतलब इसको लगाए जहाँ पर देख लें तो इधर का सेक्शन खाली है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से ऐसे कीजिए कि मतलब ये फिर टच कहीं ना करे ये वाला। तो इसको मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ जहाँ ये टच ना करे। तो ये मेरा देख लेते हैं, सोल्डर आयरन गर्म हुआ कि नहीं, हो गया है गर्म। और इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग दिखाई दे, इसको यहाँ पर छेद करेंगे, हॉल करेंगे। दोस्तों, और इसको फटाक से ऐसे करिए और इसको कर लीजिए ऐसे। तो ये देखिए, ये प्रॉपर फिट हो चुका है। और ये लगाने का पिन फायदा है दोस्तों, आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें अगर आप इधर से इंसर्ट करेंगे, ज़्यादातर जोड़ लगाकर टेलेंगे अंदर की तरफ, तो इसमें इसका पिन अंदर नहीं जाएगा, इसी पर अड़ के रहेगा। तो अपने आयरन को थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, इसमें लग गया है। तो दोस्तों, ये फाइनली लग गया है और इसका चलते हैं कनेक्शन करने। यही वीडियो का मेन पार्ट है कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाए, जो कि फुल मतलब इसमें चार्जिंग के लिए लाइन है। तो ये देखिए, इसका ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड हम कहीं से उठा लेंगे, तो ये ऐसा ब्लेड लीजिए और कहीं भी मतलब इसके बॉडी पर स्क्रैच कीजिए, थोड़ा सा स्क्रैच कर लीजिए। देखिए, आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ लाइव। और यही वीडियो का मतलब टॉपिक था, मेन टॉपिक इसी मतलब इसी पार्ट में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद अपने आयरन से यहाँ पर सोल्ड कर देंगे, जो कि यहाँ पर अच्छे से ये पकड़ ले। और देखिए दोस्तों, आप लोग दिखा देता हूँ, ये जो ग्राउंड का होता है ब्लैक वाला वायर, यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेंगे। दोस्तों, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें, यही वीडियो का बेस्ट पार्ट है जो कि इंटरेस्टिंग है। और देखिए, यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ, जो कि मैं लाइट ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो देखिए ये डायोड है ना दोस्तों, आप लोग को दिखा दें, ये डायोड इसके जो जिस साइड में इसका चार्जिंग पिन है उसी साइड में इसको भी जोड़ेंगे। तो जो रेड वाला वायर है, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर रख लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव का ये अगले मतलब डायोड का अगले वाले हिस्से में पॉजिटिव का वायर कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसका फाइनली कनेक्शन पूरा हो चुका है। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, ग्लू गन से घेर देंगे ताकि जो पिन वहाँ पर लगा हुआ है वो तगड़ा सट जाए। तो देखिए, मैं ग्लू गन से घेर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगा ले यहाँ पर ग्लू गन। और उसके बाद इसको थोड़ा देर सुखा ले, जैसे कि मतलब 1 मिनट तक सुखा ले। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे इसमें मतलब करंट आ रहा है या नहीं बैटरी कनेक्टर पर। तो देखिए दोस्तों, मैं ये पिन लेकर आया हूँ, इसमें मतलब लाइन दे दिया हूँ चार्जर में, और इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ है ना, कि इसका जो टीजी जो है, इस बाजा ब्लूटूथ स्पीकर का लाइट फ्यूज हो गया है इसमें, जो चार्जिंग से जलता है, तो मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, मैं लगाऊंगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं बैटरी कनेक्टर पर इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें वोल्टेज आएगा तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वोल्टेज आ चुका है 4.62 वोल्ट। तो ये बैटरी चार्जिंग करने के लिए मतलब सही है वोल्टेज। तो मैं दोनों तरफ से देख लिया, वोल्टेज अच्छे से आ रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग के लिए ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है। और इसको कनेक्शन करके